अस्सलाम वालेकुम जी। हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। सो ये ब्लॉग है जी चांद रात का और ईद का। सो मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक और ढेरों ढेर ईद मुबारक। अल्लाह पाक हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब करे, आमीन सुम्मा आमीन। सो ये व्लॉग है जी दो दिन का, चांद रात का और ईद का, और मुझे एडिट करने का टाइम अब मिला है। और यहाँ पे बस जी मैंने चांद रात को एक हाथ पे पहले मेहंदी लगवाई और फिर दूसरे हाथ पे, एक्चुअली मैंने ना लगवानी नहीं थी लेकिन पापा आए तो उन्होंने जब हाथ ना ऐसे सुने सुने देखे तो पापा कहते हैं कि तुम दोनों ने हाथों पे मेहंदी क्यों नहीं लगवाई। तो मैंने कहा वैसे ही, तो कहते वैसे क्यों, मेहंदी लगवाओ, ईद है सुबह। तो मैंने कहा चलें पापा कह रहे हैं तो मेहंदी लगवानी तो बनती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल। और यहाँ पे बड़े भाई ने बनाया था जी स्ट्रॉबेरी का शेक, तो मुझे लग रही थी भूख तो फिर भाई ने मुझे ये दे दिया और मैंने पी लिया और माशाल्लाह से मेरे हाथ में मेहंदी बहुत बहुत अच्छी लगी थी। और एक्चुअली मैं एक ही पार्लर जाती हूँ सारा पे जो मेरी फेवरेट है, तो उनसे मैंने मेहंदी लगवाई। और ये है जी ईद के दिन सुबह का व्लॉग और यहाँ पे ईद मुबारक आप सबको। और यहाँ पे मैं चीज़ें जो थी ना वो निकाल रही थी क्योंकि पहले दिन ना मैंने कुछ भी नहीं किया बिकॉज़ मामा की तबीयत इतनी कोई ख़राब थी कि मैंने ईद पे मैं रेडी भी नहीं हुई। ये दूसरे दिन फिर मैं रेडी हुई थी और यहाँ पे बस मैंने बॉक्स खोला, ये ईद बॉक्स जो मम्मा मेरे लिए और बहन के लिए लाई थी, मेहंदी थी, चूड़ियाँ थी, भाभी की भी चूड़ियाँ थी लेकिन वो मम्मा ने पहले ही निकाल के ना उनको दे दी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का, इतनी मैं बिज़ी थी ना चांद रात से दो दिन पहले और ईद के फर्स्ट डे। और यहाँ पे ये चूड़ियाँ जो है ना दोनों सेट, ये मेरी सिस्टर के हैं ऑरेंज और वो कॉपर सा कलर स्किन, और मेरी वो जो है ना मल्टी शेड में है। तो बहन उल्टा मामा को डांट रही थी कि आप मेरी और भाभी के दो दो सेट लाए हो बड़े वाले, तो आप ही के लिए आप सिर्फ मल्टी शेड में लाए हो और ये वाली लाए हो। बहन मम्मा को कहती आपकी चॉइस को क्या हो गया, तो मम्मा कहती वो इतनी हैवी नहीं पहनती तो इसलिए, तो कहती है नहीं जाओ उसके लिए भी लेके आओ। तो मैंने फिर रोका, मैंने कहा नहीं रहने तो जब मैंने पहननी ही नहीं है। तो बस इस तरह की बहनें ना किस्मत वालों को ही मिलती हैं कि मतलब हम दोनों बहनों का यही है कि सेम सेम हमने हर चीज़ ना, मतलब अगर मेरे लिए कुछ आया तो वैसा उसके लिए भी आना ही चाहिए। और यहाँ पे ये जी लिप ग्लॉस जो था मेरा फेवरेट था और ये प्राइमर मैं यूज़ करती हूँ। ईद के दिन ना इतना कोई रश होता है, मतलब इतनी कोई बिजी लाइफ होती है ना, ये दे दो वो कर लो, तो मुझे मीठे की भी ना वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। भाभी ने बनाया था शीर कौरमा और भाई ने बड़े अच्छे से उसको ना डिस्पोजिबल बॉक्स में पैक करके डेकोरेट ऊपर से ड्राई फ्रूट से करके तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो लेकिन ना मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। और मेरा ईद का फर्स्ट डे जो था ना ईद की नमाज़ के बाद वाला, वो मेरी लाइफ में बहुत, मैम ये कह लें कि वो बुलाया नहीं जाता मुझसे, मेरा और मेरे बड़े भाई का जो था ना वो दिन था वो। और यहाँ पे अब मैं रेडी हो रही थी तो उसके लिए ना बहन कह रही थी जल्दी से रेडी हो जाओ बिकॉज़ तुम्हारी पिक्स बनानी है तो फिर ना रोशनी चली जाएगी। तो यहाँ पे ये मेरी जूते हैं जो बड़े भाई ने मुझे लेके दिए थे, और आज मैंने सूट भी जो था ना वही पहना था जो भाई ने मुझे लेके दिया था, और जूतियाँ भी तो जो मम्मा ने मुझे लेके दिया था ना वो मैंने स्टिच ही नहीं करवाया बिकॉज़ घर के स्टिच कर करके ना अपने लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। तो मैंने बस एक ही जो अपने दो स्टिच किए थे ना, एक भाई वाला और एक वैसे जो मेरा था वो वाला, तो अब जो मम्मा वाला था वो मैंने सोचा ईद के बाद करके पहन लेंगे। अब बस जी फिर ना छोटा भाई हमें लेके आ गया था, सामने ही घर के पार्क है तो हमने सोचा यहाँ रोशनी में कुछ फोटो शूट और कुछ थोड़ी बहुत ही ना वीडियोस वगैरह बना लेते हैं। तो यहाँ पे बस फिर ना यहाँ पे मैं रोशनी में आपको दिखा रही थी अपनी मेहंदी का डिज़ाइन, और बस मेरा एक जो हाथ है ना वो रह गया था, उस पर ना मेहंदी नहीं लगाई मैंने यहाँ पर, फिर मेरा गला बैठ गया। तो बस यहाँ पे ना बाहर का मौसम इतना भी अच्छा था ना, अच्छा परदेश में ना कोई मुझे नहीं लगता ईद का मज़ा होता। मैं पापा से ये बात करी थी कि नेक्स्ट ईद ना हम गांव जाके ही करेंगे क्योंकि यहाँ पे मतलब रिलेटिव्स वगैरह तो इतने हैं नहीं, गांव में ही होता है कि ईद की नमाज़ के बाद सारे बड़े बुज़ुर्ग आके मिलते हैं बैठते हैं और बिज़ी और ईदी भी ज़्यादा हो जाती है ना। तो बस यहाँ पे परदेश में यही अपना घर है और चंद नेबर्स बस तो यहाँ पे अब ये है जी सूट जो मुझे भाई ने लेके दिया था और स्टिच मैंने किया है, बहुत अच्छा सा जो कलर था वो था, इसका था
लाइट पर्पल कलर और ऊपर ना कॉपर और सिल्वर कलर के ना ब्लॉक प्रिंट में डिज़ाइन था और बस सिंपल था। चारों तरफ पाइपिंग कर ली थी और बॉट नेक बना के ना आगे वो पाइपिंग करके बटन लगा लिए थे बस। और यहाँ पे बस मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर अब, और अभी मैंने चावल बॉईल करने हैं और यहाँ पे ना लाइट जा चुकी है और बस ना पार्क से हम लोग सीधा जा रहे थे कुछ खाने पीने बिकॉज भूख लग गई थी। और मम्मा अब आ गए, मम्मा कह रही हैं लाइट चली है और वह आगे ना मेरी बहन जा रही है तो बस। अच्छा इस बार ना फर्स्ट टाइम मैंने बाइक पे बैठ के वीडियो बनाई है तो मेरा भाई मुझे कह रहा था तुम गिर गई ना, तो हमने तुम्हें चुकना भी नहीं है, हमने कहा ना उठा लो। तो यहाँ पे अभी हम जा रहे थे हमारे स्कूल के पास ही ना डेली डेरी गो रेस्टोरेंट एक ओपन हुआ था न्यू, तो हमने सोचा चलें जी आज ना वहाँ का विज़िट करते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं बिकॉज यहाँ इस एरिया से ना हमारी बहुत सी बचपन की जो है वो यादें हैं बिल्कुल स्कूल के पास हमारे। तो बस हम लोग एंटर के, बहुत ही छोटी सी ना ये जगह है लेकिन इन्होंने ना इस जगह को बहुत अच्छे से यूज़ किया है और बहुत अच्छे से डेकोर किया हुआ है कि नीचे सारा रिसेप्शन है और ऊपर थोड़ी सी जगह है मतलब 6-7 लोगों के बैठने की फैमिलीज़ की, लेकिन अब बहुत अच्छा है। ये जो बाहर का ना यहाँ पे कपल्स सीट्स हैं 3 पार्टीशन करके और अंदर जो है वो 7 है फैमिली के लिए। तो यहाँ पे मैं हंस रही थी बिकॉज मैंने ना चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए रखा है तो मामा मुझे कह रही थी कि छेती कर लो। तो बस यहाँ पे ना अब हम मेन्यू डिसाइड कर रहे थे कि क्या खाना है बिकॉज इनके ना जो बर्गर्स हैं ना सारे वो बहुत फेमस हैं यहाँ के। तो बहन मुझे कह रही थी कि तुम भी बर्गर खाओ, तो मैंने कहा यार मुझसे ना बर्गर घर में सिर्फ खाया जाता है, बाहर बैठ के ना मुझसे बर्गर नहीं खाया जाता। तो मैंने कहा तुम पास्ता क्रीमी पास्ता जो है वो ऑर्डर करियो, तो बस मैं तुम्हारे साथ ना 2-3 चम्मच वही ले लूँगी। तो बाकी मैंने किया था स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर, भाई ने किया था बनाना और चॉकलेट वाला और सिस्टर ने ओरियो किया था। तो यहाँ पे फ्राइज थे और भाई और सिस्टर में ना यही बहस हो रही थी, भाई कह रहा था लिबर्टी की फ्राइज अच्छी हैं, बहन कह रही थी KFC की अच्छी हैं और मैं कह रही थी कि नहीं जो भाई ठेले पे मिलती है ना वो अच्छी होती। तो बस ये यही होता है बहन भाइयों की भी ना आपस की जो ट्रिप होती है गेट टुगेदर होता है ना इससे बड़े ही मैं कहती हूँ खुशनसीबी कोई भी नहीं होती। तो यहाँ पे ना भाई को लेने के देने पड़ गए थे बिकॉज ये लेट उठा था, तो हम लोगों का डिसाइड हुआ था कि हम 3-4 बजे तक बैठ जाएंगे लेकिन लेट उठा तो फिर इसको ट्रीट पड़ गई। तो फिर जो बिल वगैरह था ना वो बेचारे भाई ने ही पे किया और घर आके कह रहे थे मेरी ईदी सारी लग गई। तो मैंने अब सिस्टर ने कहा भी था कि हम बिल देते हैं, तो कहता है नहीं नहीं मैं ही दूंगा, तो अब हम रिटर्न नहीं करें। हमने कहा नहीं तब तुमने बोला ना अब तुम नहीं दो। तो बस यही था मेरा ईद का और चांद रात का नन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होप्स आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ है आज के दिन। मतलब कभी कभी होता है ना हम जितने सयाने बनते हैं ना अगला हमसे 4 कदम और सयाना होता है। तो बस ये अब वापसी की तरफ ना हम घर जा रहे थे, रात काफ़ी हो चुकी थी तो फिर घर वापस आए, मैंने खाया था क्रीमी पास्ता तो मेरा दिल ना ख़राब हो रहा था, तो भाई ने फ़ौरन ही मुझे ना मीठी लस्सी बना के दी, दही की होती है मुझे दूध की भी होती है। तो बस यहाँ पे मैं लस्सी पीऊँगी और फिर ना बस मैं यही कह रही थी कि मैं अपनी वीडियोज़ जो है ना वो एडिट वगैरह करूँगी और फिर मैं बस लेट गई थी आराम करने के लिए। और यहाँ पे मेरे ना आजकल मेरे पास होता है जूस और पानी की ना एक बोतल, मैं रात को अपने पास लाजमी रखती हूँ बिकॉज मुझे सोते सोते इतनी कोई प्यास लगना स्टार्ट हो जाती है ना और फिर ना नींद में मेरा उठ के पानी पीने को भी दिल नहीं करता कि किचन में जाओ और पानी लेके आओ, तो इसलिए मैं पानी की बोतल ना पास ही रख लेती हूँ। तो अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, मेरे इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।